नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो को अपने मोबाइल में छुपा सकते हैं बिना किसी ऐप के। और कोई भी आपके मोबाइल के फ़ोटो गैलरी को खोलेगा तो वो जो फ़ोटो आप छुपा चुके हैं वो फ़ोटो आपके गैलरी में शो नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, उसे लगेगा ही नहीं कि आपके मोबाइल में कोई और फ़ोटो है, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी ऐप्स का इस्तेमाल नहीं है। कोई भी ऐप्स, आपको अदर ऐप्स यूज नहीं करना है। जी हाँ, इसमें जो भी हम फ़ोटो को जैसे भी छुपाएंगे अपने मोबाइल में ही छुपाएंगे, इससे किसी को पता नहीं चलेगा और उसमें पासवर्ड लगा हुआ रहेगा। तो चलिए इसके लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और यहाँ ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी का, तो हम प्राइवेसी को क्लिक कर लेंगे। और प्राइवेसी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइल सेफ बॉक्स का, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे देख ये सेट पासवर्ड मांग रहा है, जब आप पहली बार इसे खोलेंगे तो इसमें पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, ताकि कोई भी जब भी आप इस फोटो को देखना चाहेंगे तो आपको यही पासवर्ड देना पड़ेगा। तो चलिए हम आप पासवर्ड सेट कर लेते हैं। फिर उसी पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए दोबारा से उसी पासवर्ड को हम डालेंगे जो हमने पहले अभी डाल चुका हूँ। ये हम पासवर्ड डाल दिए और यहाँ पे जो भी हम फोटो, म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जीप, जो भी हम छुपाना चाहते हैं वहाँ पे, जैसे हम अपने फ़ोटो को छुपाना चाहते हैं तो ये फोटो वाले पे ये क्लिक कर देंगे। फ़ोटो पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक मूव इन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो भी फ़ोटो हमको छुपाना है, चलिए हम स्क्रीन शॉट है, हम इसको खोल लेते हैं। और ये जितना भी ये फ़ोटो है देख लीजिए आप, मैंने अभी आपको करके दिखाऊंगा कि ये फ़ोटो कैसे छुप जाता है और ये गैलरी में शो नहीं होगा। तो चलिए मैंने ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये फ़ोटो को मैंने सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लीजिए मैंने 2, 4, 6 और 8 फ़ोटो को मैंने सिलेक्ट किया हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मूव इन का, ये मूव इन पर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये फ़ोटो क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया और वहाँ पर चला गया ये प्राइवेसी में। तो चलिए अब देखिए यहाँ से सारा फ़ोटो गायब हो चुका है। दोबारा से हम खोल के दिखा देते हैं आपको। देखिए ये फ़ोन की एल्बम है और एल्बम में हम स्क्रीन शॉट में आए और देखिए यहाँ पे कितना फ़ोटो था, अब मात्र 5-6 फ़ोटो रह गए और यहाँ से 8 फ़ोटो मैंने अभी आपके सामने छुपा दिया। तो वो फ़ोटो देखने के लिए हम चलिए बताते हैं कि ये फ़ोटो कहाँ पे जाता है। और देखिए ये कोई भी गैलरी कोई भी फ़ोटो देख लेगा तो ये फ़ोटो आपको नहीं मिलेगा जो मैंने अभी यहाँ से हाइड कर दिया है। और इसे सबके इस सेटिंग के सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी ऐप्स का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तो चलिए दिखाते हैं फ़ोटो कहाँ है। इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी में जाएंगे और प्राइवेसी में जाने के बाद फाइल सेफ बॉक्स लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड हमने सेट किया है उसी पासवर्ड को यहाँ पे डाल देंगे तो वो फ़ोटो खुल जाएगा। चलिए पासवर्ड को हम डाल देते हैं। पासवर्ड को हमने डाल दिया है तो यहाँ पे ये मांग रहा है कि हमने जो मोबाइल में जो लॉक डाल रखा है क्या उसको भी हम करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, ये मोबाइल का लॉक मांग रहा है, तो चलिए हम मोबाइल का जो लॉक पैटर्न है वो हम डाल देते हैं, जो मोबाइल का लॉक स्क्रीन है। इस तरह से हम डाल दिया और ये हम पिक्चर को क्लिक कर दिए। देखिए जो भी फ़ोटो हमने क्लिक किया था ये फ़ोटो यहाँ आ गया। इस तरह से आपके फ़ोटो को कोई भी नहीं देख पाएगा। कोई भी अगर आपके मोबाइल लेगा तो वो आपके फ़ोन की गैलरी को ही खोलेगा और गैलरी में वो ये फ़ोटो रहेगा ही नहीं। ये फ़ोटो तो यहाँ सिक्योरिटी में प्राइवेसी में आ जाता है और इसके बाद भी इसमें पासवर्ड लगा होता है। अगर वो यहाँ तक, अगर आपके प्राइवेसी तक अगर वो पहुँच भी जाता है तो इसके लिए उसे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो उसे नहीं पता होगा। इस तरह से आपके फ़ोटो वीडियो को वो नहीं देख पाएगा। इस तरह से आप ऑडियो वीडियो को भी छिपा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मोबाइल वीवो का है, हो सकता है वीवो में इसी तरह का सेटिंग है। आपका मोबाइल अगर ओप्पो का हो या फिर सैमसंग का हो
तो उसमें कुछ अलग टाइप से सेटिंग किया होगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल कौन सा है, अगर आपके मोबाइल में नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके मोबाइल में सेटिंग नहीं हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि आपके मोबाइल में कैसे ये सिस्टम होगा। तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।